मुल्क बादशाह का हुक्म सुल्तान बगदाद यूसुफ बिन ज़ियाद का ऐलान किया जाता है कि कल आला हजरत शाही महल में दरबार अदल मुनक्कद करेंगे और सबको इंसाफ की दौलत से माला माल करेंगे। लिहाजा अमीर गरीब छोटा बड़ा पतला मोटा झूठा सच्चा जिसे भी इंसाफ की जरूरत हो वो दरबार में आए और सुल्तान अदल से दाद पाए। शराब और नगमों की महफिल से हमारा चीमता गया है। न कहीं चोरी है, न डाका, न फरेब है, न धोखा, न कोई फरियादी है जिसका कि हम इंसाफ कर सके, न कोई मुजरिम है कि जिसे हम सजा दे सके। आखिर तख्त शाही पर बैठे बैठे हम करें तो क्या करें, न क्या माने। अरे ओ दाऊद, ओ पोथाल की तुम, हम तुझसे पूछ रहे, तुझसे मुझसे आलम बना। हाँ हाँ तुझसे बता, अभी तक कोई फरियादी या मुजरिम क्यों नहीं आया? आलम पना, सारे बगदाद में ना कोई फरियादी है ना मुजरिम। जिल्ले इलाही के बेलाग इंसाफ ने बगदाद से जबर जुल्म का खात्मा कर दिया है। और ये बगदाद की खुशनसीबी है आलीजा। खुशनसीबी नहीं बदनसीबी है, जिस शहर में जालिम का शोर और मजलूम की फरियाद न गूंजे वो शहर नहीं कब्रिस्तान है। सोचो सोचो, अच्छी तरह से सोचो, अगर यही हालत रही तो बगदाद का अंजाम क्या होगा? आलम पना के सामने हम सोचने की जरूरत क्यों कर सकते हैं? तो सुनो, अगर तुम रिया के हमदर्द, बादशाह के वफादार और मुल्क के सच्चे खादिम हो तो शहर में कोई हंगामा बर्पा कराओ ताकि मां बदौलत को इंसाफ करने का मौका मिले। इंसाफ की तिजारत न होगी तो खजाना खाली हो जाएगा, और खजाना खाली हो गया तो तुम सबके सब भूखों मर जाओगे। ये मोटी मोटी तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी? कभी कभी हंगामा बर्पा करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि हंगामे को दबाना। अब वो दिन नहीं रहे जब बगदाद के बाजारों में सिंदबाद, अली बाबा और अलादीन रोज एक नया हंगामा खड़ा करते थे और हुजूर की तफरी का सामान मुहैया करते थे। आखिर वो बदमाश गए कहाँ? क्या दीवाने होकर शरीफ बन गए या आपस में मशवरा करके तीनों एक साथ मर गए? नहीं आलीजा, आज 2 महीने हुए उन्हें गिरफ्तार करके कैदखाने में बंद कर दिया गया है। किस गधे के हुक्म से? गुस्ताखी माफ, हुजूर के हुक्म से। खुदा की मार हमारे इंसाफ पर, कितने अच्छे इंसानों को गिरफ्तार कर लिया है। Thank you.
या खुदा, ये तूफान है या जलजला? मारे गए, सुरंग लगाई थी बाहर निकलने के लिए, लेकिन आ निकले एक कारखाने से दूसरे कारखाने में। आप कौन है बड़े मियां? इस बुढ़ापे में कौन सा ऐसा रंगीन जुर्म किया है जो बड़े घर की हवा खा रहे हैं? मेरा जुर्म है सच्चाई की तलाश। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ लाया गया हूँ कि एक हकदार को उसका हक दिलवाना चाहता था। कौन हकदार? किसका हक? मैं मराकश का बदनसीब अमीर सैफुद्दीन। सुल्तान मुराद की मलका सोफिया मेरी बेटी थी। सुल्तान के इंतकाल के बाद मौजूदा बादशाह ने हुकूमत पर कब्जा करने के लिए ये मशहूर कर दिया कि तख्त की वारिस सुल्तान मुराद की इकलौती शाहजादी भी बाप के गम में मर गई। लेकिन शहर बदर की हुई कनीजों की जबानी मालूम हुआ कि मेरी नवासी शाहजादी अभी जिंदा है और शाही महल में नजर बंद है। बस उसी की तलाश में मैं शाही महल में घुसा था कि गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ये बात है तो बादशाह ने शहजादी को कत्ल क्यों नहीं कर दिया? इसलिए कि वो वजीर अबू कान के इशारों पर चलता है और वजीर शहजादी से शादी करके खुद तख्त व ताज का मालिक बनना चाहता है। ओह, फिर तो वजीर और सुल्तान दोनों शैतान हैं। और शैतान से लड़ना हर इंसान का फर्ज है। मेरे बच्चों, तुम बहादुर और निडर नौजवान मालूम होते हो। अगर तुमने मेरे साथ मिलकर शहजादी को उसका हक दिला दिया तो बगदाद की तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। मैं कसम खाता हूँ कि हक और इंसाफ के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मैं भी कसम खाता हूँ तो मुझे भी कसम खानी ही पड़ेगी। काश इस वक्त हम आजाद होते। इसकी फिक्र न करो बेटा, मुझ बूढ़े का तजुर्बा तुम जवानों के काम आएगा। आओ।
तुम्हारी ये हंसी मौत का भयानक कहकहा बन जाएगी। जाओ साहे जिन, जमीन तोड़ के आओ, आसमान फोड़ के आओ। जाओ साहे जिन, बुलाओ। ये तो सच में जमीन फाड़ कर जिन निकल रहे हैं। बुलाओ की कह रहा है जो मेरे आका, मुझे किस लिए तलब किया गया है? सिपाहियों को सजा देने के लिए। ले जाओ इन फैसे के बच्चों को, ले जाओ और जानम के बड़कों के सोलों में जिंदा मेरे आका। हमारी तो बस हमारे बाप की तोबा, हमारे बाप के बाप की भी तोबा। तो फौरन दरवाजा खोल कर अंदर चले आओ। अंदर? हाँ अंदर। चल तू चला तू, आईब्रा को डाल तू। चल तू चला तू, आईब्रा को डाल तू। चल तू चला। चल नहीं, आओ मेरे पास। जब तक हमारा हुक्म न होगा, सारे दिन तुम्हें कुछ न कहेंगे। अब आंखें बंद करके इस घर में दाखिल हो जाओ। इस घर में? हाँ, इस रास्ता सीधा जन्नत को जाता है। चलो जल्दी करो वरना यार। कंबल दोरी हो गई। अगर आप देरी न करो बेटा, जल्दी निकल चलो यहाँ से। जी हाँ। सिंबाद, सिंबाद, सिंबाद। नरगिस, जरा ख्याल रखना। जी समझ गई। किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। अच्छा, तो मोहब्बत शायरी भी सिखाती है? तो जवाब दीजिए। इरशाद, रोज रोज महल की ऊंची दीवारें फाड़ के आते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मोहब्बत का परवाना पत्थर की दीवार तो क्या, भड़कती हुई आग के शोलों से भी नहीं डरता। सिंबा,
हर तरफ सिपाही घूमते रहते हैं, मेरा तो दिल धड़कता है। सिंबाद के सीने में किसी नाजुक हसीना का फूल सा दिल है। तुम्हें राज खुल जाने का भी डर नहीं? मोहब्बत का राज तो एक न एक दिन खुलकर ही रहेगा, मगर सिंबाद की जमीला और शाही महल ये राज समझ में नहीं आया। आखिर तुम यहाँ क्यों रहती हो सुल्तान? तो अब मोहब्बत रिश्ते नाते भी ढूंढने लगी? नहीं जमीला, मोहब्बत अपना रिश्ता जोड़ के बाकी सब रिश्ते तोड़ देती है। जमीला, जमीला, कोतवाल साहब सिपाहियों के साथ इस तरफ आ रहे हैं। कौन हो तुम? पकड़ लो इस बदमाश को। तुम लोग आंधी और तूफान की तरह कहां से आ रहे हो? यार सिपाही लोग पीछे कर रहे हैं, जल्दी कुछ इंतजाम कर। सुल्ताना, जरीना, तुम लोग चलो, मैं भी आता हूं। लड़कियों तैयार हो जाओ। टोपी लाल पहन के तुर्की में बन गई, ओ लैली मौला लैली, ओ लैली मौला लैली, सर पे टोपी लाल पहन के तुर्की में बन गई, ओ लवई वई वई, ओ लवई वई वई, ओ लवई वई वई, ओ लवई वई वई।
टोपी लाल पहन के तुर्की में बन गई। ओ ले ले मौला ले ले, ओ ले ले मौला ले। सर पे टोपी लाल पहन के तुर्की में बन गई। ओ ला वही वही वही, ओ ला वही वही वही, ओ ला वही वही वही, ओ ला वही वही वही। कहिए बड़े मियाँ, कहवा खाना तलाश करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ कैसे होती, कासिम को तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। जी हम गुरु है तो घंटाल, हम चोर है तो चंडाल। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्तों, शायद इस नाचीज की तारीफ हो रही। आपकी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? अरे हम तीन बंदरों के साथ तुम जैसा कलंदर नहीं होता तो ये हमारी चंडाल चौकड़ी अधूरी रह जाती। बड़े मियाँ, शहजादी का वाकया हमारे बिजली पहलवान कासिम से भी बयान कर दीजिए। मैंने कासिम से पहले ही सब कुछ बता दिया है, मगर शहजादी को शाही महल से निकालना कोई आसान काम नहीं। सुल्तान उसकी शैतान की तरह हिफाजत करता है। आप उसकी फिक्र न कीजिए, अगर हम चाहें तो सोते हुए आदमी की आंखों से काजल उड़ा लें, उसे खबर ना हो। लेकिन इतने बड़े महल में जहाँ हजारों कनीजें लौंडियां और बेगमात भरी पड़ी है, शहजादी को पहचानेंगे कैसे? ये सूत की रस्सी नहीं चंद्रदीप का जादू है। अब इसका कमाल देखिए, ऐ रस्सी तो आसमान की सीढ़ी बन जा, लहराती हुई पल खाती हुई नागिन की तरह हवा में तन के खड़े हो जा। अब इस लड़की को देखिए, ये इस जादू की सीढ़ी से आसमान पर जाएगी और जन्नत से दादर मेरा तोड़ कर लाएगी। अब बोलिए भाई साहब, लड़की कहाँ गई? आसमान पर। कहाँ ढूंढू कहाँ पाऊ? जहाँ ढूंढू वहाँ पाऊ। मिल गई। अरे पर क्या मिल गई कासम? शहजादी को पहचानने की तरकीब क्या है? तो फिर सुनोगे तो फड़क उठोगे। वल्लाह कमाल किया है मेरे जमा, कुछ बताएगा नहीं। सुनो, वजीर अबू खान, ये अजीबोगरीब मस्खरे कौन है? आलीजा, ये जजीरा सिंदलदीप के मशहूर जादूगर हैं। इनके हैरत अंगेज कमालात देखकर आप खुशी से फूल जाएंगे, दुनिया का हर गम भूल जाएंगे। आलम पना पर खुदा की रहमतों का साया है। हम धूप साया कुछ नहीं जानते, अपना खेल शुरू करो जी। हाथ कंगन को आसिक क्या और इल्म वाले को फासिक क्या? और कहते हैं रो ए लड़की, हमारे करीब आओ। और करीब, और क्या नाम है तुम्हारा? जी बंदी को गुलबदन कहते हैं। खूब, बहुत खूब। तुम चुप रहो जी जादूगर, खेल शुरू करने से पहले इस जादूगरनी के दाम बताओ। जल्दी दाम बताओ जी। इस अंधी कानी भैंगी काली कलोटी बैंगल लोटी के दाम? ये जब सोती है तो बिल्ली कितना चिल्लाती है, म्याऊं म्याऊं। शेरनी कितना धाड़ती है और हथनी कितना चिंघाड़ती है सरकार। बिल्कुल सरकार, जब इसमें इतने ऐब हैं तो यकीनन इस मुसीबत को तुम सस्ते दामों बेच दोगे, ज्यादा से ज्यादा 20 दिनार। 20 दिनार महंगी है 20 दिनार में। क्या फरमाया आपने?
ये नाजनीन महजवीन गुंजा दहन गुलबदन महंगी है 20 दिनार में। हुजूर, इसकी तिरछी नजर देखिए, पतली कमर देखिए, मस्ती भरी चाल देखिए, रेशम जैसे बाल देखिए। हुजूर, 20 दिनार तो इसकी एक अदा की भी कीमत नहीं। अच्छा तो 50 दिनार। बहुत दाम लगा दिया आपने हुजूर, 25 दिनार में सौदा पड़ जाता। दाम चुका दिए जाए। आओ। या सौदा, अलादीन की इज्जत तेरे हाथ है। आ हमारी कम सिन हूर, मेरी नन्नी परी, बैठ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ। जरा मोटी है तो क्या हुआ, दाम तो सस्ते हैं। ए बंदरों, इससे पहले कि आलम पना अपना सब्र खोकर इस खिलौने के साथ खेलने लगे, तुम अपना खेल शुरू करो। ये खेल नहीं है आलम पना, ये दुनिया का 8वां अजवा है, जिसे 1400 साल में फानी दुनिया की फानी आंखों ने सिर्फ 7 बार देखा है, मगर ये कमाल आलम पना की मदद के बगैर नहीं दिखाया जा सकता। आपको क्या चाहिए? एक कमसिन नादान और नौजवान लड़की की जरूरत है आलम पना। लड़की? यहाँ जरूरत से ज्यादा लड़कियां मौजूद हैं। एक खास लड़की चाहिए आलम पना, जो फूल की तरह नाजुक और शबनम की तरह पाकीज़ा हो, उसके हुस्न शबाब की हिफाजत इस तरह की गई हो कि उसे दुनिया की हवा तक न लगी हो। हवा तक न लगी हो, ऐसी लड़की? ये भी नहीं तो फिर कौन हो सकती है? आलम पना, शहजादी के बारे में क्या ख्याल है? मिल गई, मिल गई। जादूगर, हमारे पास एक ऐसी दोशीजा है जो फूल की तरह नाजुक और शबनम की तरह पाकीजा है, और हमें यकीन है कि आलम पना उस खुशनसीब दोशीजा को हमें थोड़ी देर के लिए उधार दे देंगे, ताकि हम अपना हैरत अंगेज कमाल दिखा सके। वजीर आजम, हम इस अजीब और गरीब कमाल को देखने के लिए बेताब हैं। शहजादी को हाजिर करो। हाजिर करो, हाजिर करो, हाजिर करो। होशियार, शहजादी ये आलिया रौनक अफरोज हो रही है। मैं शहजादी का नाम क्यों कर मालूम हुआ? मेरे इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं। मैं ये भी बता सकता हूँ कि शहजादी साहिबा कहाँ पैदा हुई, उनकी वालिदा का नाम क्या था और उनके वालिद। बस बस, तुम अपना कमाल दिखाओ और फौरन दफा हो जाओ। या सामरी या जोगी जयपाल, दिखा अपना कमाल। आलम पना, इस टोकरी को देखिए, यह गरीब के पेट और बेवकूफ की झोपड़ी की तरह बिल्कुल खाली है। मुलायजा फरमाइए। आप भी, आप भी, आप भी, आप भी। अब आ जा मेरे खेत, बिल्ली की तरह इसके अंदर समा जा। अब आप आइए शहजादी साहिबा। ये क्या मजाक है? जाओ बेटा। मजाक? मैं समझाता हूँ, जैसा कहूँ वैसा करती जाओ। शहजादी साहिबा इसे मजाक समझ रही हैं, शायद ये नहीं जानती कि मैं कितना बड़ा करिश्मा दिखाने वाला हूं। आइए आइए शहजादी साहिबा। दाखिल हो जाए, दाखिल हो जाए। बाथरूम की तरह इस टोकरी की जन्नत में दाखिल हो जाइए। आइए। अब इस सहराई गेंडे को मुलायजा फरमाइए। गेंडा? कौन गेंडा? या सामरी या जोगी जयपाल, दिखा अपना कमाल। दाखिल हो जा, दाखिल हो जा। कमाल है, ये सब लोग गए कहां? देखते जाइए, देखते जाइए, अभी तो मैं बाकी हूं। लेकिन आलीजा, एक अर्ज है, जब मैं टोकरी के अंदर से ढकना बंद कर लूं, तो आलम पना अपने दरबारियों के साथ मेरा बताया हुआ अमल आंखें बंद करके सच्चे दिल से 101 बार पढ़े। मगर याद रखिए, अगर किसी ने गलती से पढ़ते वक्त आंख
बोल दी तो फौरन अंधा हो जाएगा। क्या है वो अमल? बहुत आसान, थम थम कूदम बेदाल के बूदम। खुदा हाफिज। चलो जल्दी यहाँ से भाग चले, अमल खत्म होते ही हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है, कहाँ ले जाना चाहती हूँ? तुम्हारे नाना साहिबुद्दीन के पास, बाकी बातें उनसे पूछ लेना। लेकिन अलादीन, उसकी फिक्र ना करो, इंसान तो क्या वो शैतान को भी धोखा देकर आ सकता है। चलो दम दम कू दम बेदाल के बू दम 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 कू दम बेदाल के बू दम। दम दम कू दम बेदाल के बू दम 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 कू दम बेदाल के बू दम 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 बू दम बेदाल के बू दम 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 कू दम बेदाल के दम। अमल पूरा हुआ, मगर ये अजूबा देखने के लिए और कितना इंतजार करना होगा? ये तो जादूगर ही बता सकते हैं। टोकरी खोल कर पूछो। टोकरी खोल कर पूछो? कौन? तुम। मैं? हाँ। आई बला को डाल तू, तू जलाओ तू, आई बला को डाल तू। अरे ये तो किस्मत की फाटक की तरह बंद हो गई है, खुलती ही नहीं। तलवार से काट दो। काट दो? कौन चीखा? क्यों चीखी? ओ, ओ, आली जा, इस चुड़ैल की बच्ची ने एक चुटकी काटी। झूठ बोलती है मुर्दार, मैं छछूंदर के चुटकी क्यों काटने लगी? हाय अल्लाह, मुझे छछूंदर बोलती है? हाँ हाँ, साफ बात कहूंगी, छछूंदर छछूंदर छछूंदर। अरे ठहर ठहर, छछूंदर भी बोलती है और मारती भी है। फरमान शाही सिंदबाद, अली बाबा और अलादीन इस शाही फरमान को देखते ही अगर अपने आप को बारगाह सुल्तानी में पेश कर दें तो माफी उनके कदम चूमेगी और वो दूसरी सुल्तानी इनायतों के हकदार होंगे। ये फरमान काजी आजम के सामने कसम खाकर तहरीर किया गया है। अबे किस चंदू खाने से आ रहा है सुल्तान बगदाद और हम शरीफ जादों को माफ करते हैं? नहीं देखे देखे। मगर ऐसा हो गया है मेरे दोस्तों, मैं अभी अभी शाही ऐलान पढ़कर आ रहा हूँ, तुम लोग फौरन सुल्तान के सामने हाजिर हो जाओ तो माफी के साथ साथ इनाम और इकराम भी दिया जाएगा। ये ऐलान काजी आजम के सामने कसम खाकर तहरीर किया गया है, जो कभी झूठा नहीं हो सकता। जिल्ले इलाही पर खुदा की रहमतों का साया रहे। साया रहे। बखुदा बखुदा, तुम्हारे मनहूस चेहरे देखकर हमें बेहद खुशी है। कदरदानी है हुजूर की, इज्जत अफजाई है सरकार की। हाँ। हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा बेमिसाल कारनामा अंजाम दो जिसकी बदौलत बगदाद की तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरी हरफों से लिख दिया जाए। हुक्म दीजिए आलीजा, हम आसमान के तारे तोड़ लाएंगे। तो सुनो, हमारा मुल्क एक कमजोर मुल्क है, इसलिए जरूरी है कि हमारे पास ताकत का खजाना हो और वो है तिलिस्मी तलवार, तिलिस्मी चिराग और तिलिस्मी कालीन। इसके अलावा संदलदीप के तीन जादूगर हमारी आंखों में धूल झोंक कर शहजादी जमीला को बुला ले गए। उनकी ये मजाल? हुजूर, हम उन्हें मार मार कर दुम्मा बना देंगे। शाबाश हमारे काबिले फख्र चोरो, अगर शहजादी के साथ तुम इन तिलस्मी चीजों के लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें हीरे जाहरात में तोल दिया जाएगा और शहजादी का हाथ तुम तीनों में से उस खुशनसीब के हाथ में दे दिया जाएगा जिसे शहजादी पसंद करे। आलम बना का हुक्म सराखों पर, मगर क्या हमें उन चीजों का पता मालूम हो सकता है? ये सब तुम्हारा काम है। जाओ समुद्रों, पहाड़ों और जंगलों को छान मारो और जैसे भी मुमकिन हो
शहजादी और तिलस्मी चीजों को हासिल करके ले आओ। खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द ये काम सर अंजाम दे देंगे। वजीर बुकान, इन्हें जितने खर्च और सामान की जरूरत हो फराहम कर दिया जाए। तुम लोग अब जा सकते हो। आलम पना, ये क्या गजब किया? शहजादी के लिए इन चोरों से वादा फरमा लिया? हम वादा हजारों से फरमा सकते हैं मगर शादी हजारों से नहीं हो सकती। तो क्या फिर मैं उम्मीद रखूं? तुम्हें उम्मीद रखने से किसने रोका है? जाओ और दिन रात शहजादी का ख्वाब देखा करो। सुना हुजूर, जाते जाते क्या कह गए? ख्वाब देखा करो। वक्त आने दो, हम इसे दिन में तारे दिखा देंगे। शहजादी से शादी करके हुकूमत पर कब्जा करना हमारे बाएं हाथ पर है। ये राज सदियों से मेरे खानदान में सीना बसीना महफूज चला आ रहा। तिलस्मी तलवार सातवें समंदर के बीचों बीच मीरारा सिकंदरी के पास पानी की अथाह गहराइयों में एक फौलादी संदूक के अंदर पोशीदा है। लो भाई, सिंबाद की मुराद तो पूरी हो गई। अब तिलस्मी चिराग की बात कीजिए बड़े भैया। तिलस्मी चिराग का राज पहाड़ों के शहंशाह कुबरे जादूगर सुल्तान हामान के पास है। उसका मुल्क कोह काफ के नजदीक सहराए आजम के मशरक में। और तिलस्मी कालीन? तिलस्मी कालीन का राज सिर्फ शहंशाह जहान को मालूम है जो सहराए कबीलों का सरदार है और वो उसी कालीन की तलाश में सहराए आजम में भटक रहा था। हो सकता है वो कालीन उसे मिल भी गया हो। खुदा ने चाहा तो हम ये तीनों तिलिस्मी चीजें हासिल करके रहेंगे। अब हमें अपनी दुआओं के साथ इस सफर की इजाजत दीजिए। अली बाबा, अरे वहां रोशनी दिखाई दे रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ।
गया मेरा शेर। अरे वाह वाह, दिल से तलवार। दिन इस वक्त दिन है या रात है? तो दिन, लेकिन मुझे रात दिखाई दे रही है। वाह वाह, क्या है? इसे दिन में रात और मुझे रात में दिन दिखाई दे रहा है। अब तुम ही बताओ, ये दिन है या रात? मालूम होता है तुम दोनों बहुत चढ़ा गए हो। मेरे पैसे दो और भागो यहाँ से। पैसे? अरे रात और दिन के बीच में पैसे कहाँ से आ गए यार? मानो होता तुम नशे में हो। निकाल मेरे पैसे। यार इसके पैसे दे दे। मेरे पास पैसे कहाँ है यार? मैंने समझा था कि तूने मुझे दावत दी है, और मैं समझा कि तूने मुझे दावत दी है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के पास पैसे नहीं है। चलो जाने दो यार, आज धोखे से आ गए, दोबारा कभी नहीं आएंगे। आओ औला दिन, आओ आओ। जाते का हो, मेरे पैसे देकर जा, वरना पेट फाड़ कर सारी शराब निकाल लूंगा। क्या बात है, क्या बात है बिरादर? बुजुर्गों ने कहा है, बुराई का बदला हमेशा भलाई से देना चाहिए। मुझे बताओ कितने पैसे हुए तुम? 10 दिनार। बस इतने से पैसों के लिए इस बिचारे की जान लेने पर आमादा हो गए? लो ये अपने पैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कसम खुदा की, मैंने आज तक ऐसा सखी सरवर नहीं देखा। हतम था कि खानदान से मालूम होते हैं आप। न जान न पहचान, 10 से 10 दिनार दे दिए। मुझे अपने दिनारों की फिक्र नहीं। जब तुम्हारा दोस्त मेरे पास गिरवी रहेगा तो मुझे डर किस बात का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, ये तो मेरा रोज का धंधा है, 10 के 20 दे जाना और अपने दोस्त को छुड़ा ले जाना। ये रही गिरवी की रसीद। रसीद? अनिवार्य दुनिया, कैसे कैसे कारीगर पड़े हुए हैं। अलादीन गिरवी, सिंदबाद, रसीद पर मेरा नाम और पता लिखा हुआ है। छुड़ाने में देर लगाओगे तो माल नीलाम कर दिया जाएगा। सिंदबाद। उस टीले के पीछे
एक डरावना चेहरा, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाला। कोई डरावना ख्वाब देखा होगा तुमने। नहीं सिंबा, वो कोई ख्वाबो ख्याल नहीं, जीता जागता इंसान था। मुझे तो यहाँ कुछ खतरा महसूस हो रहा है। घबराओ नहीं, मैं देखकर तुम्हारा इत्मीनान कराया देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा वो लाल लाल आंखों वाला, जमीन खा गई या आसमान? मैं सच कहती हूँ सिंबा, मैंने एक बार नहीं दो दो बार देखा है इन्हीं आंखों से। कभी कभी आंखें भी इंसान को धोखा दे जाती है। रेगिस्तान के तपते टीलों को देखकर पानी की लहरों का धोखा होता है। अब वहम छोड़ो, चलो यहाँ से चले। रेत में सर छुपाने वाला शुतुरमुर्ग, रेगिस्तानी ऊंट, जंगली चूहा, छोड़ दो मुझे। पहले ये बता के कौन है तू, और पहाड़ों के शहंशाह जलालत पना आकाए जहान की सरहदों में बिना इजाजत क्यों चला आया? जी हम नाचने गाने वाले खाना बदोश आज यहाँ कल वहाँ, शहर ब शहर, कबीला दर कबीला नाचते गाते फिरते हैं। हम क्या जाने किसका मुल्क है, जहाँ पहुँच के वही नाच रंग की महफिल जमा दी। सुना दोस्तों, ये नाचने गाने वाले हैं, खानदानी भांड। अबे ओ भालू, क्या तू भी नाचता है? नहीं जी, ये बीन बजाता है। और तू इसके इशारों पर नाचती है? हुँ? ले चलो इन दोनों को, शायद हमारे आकाए जहान के लिए तभी का सामान मुहैया कर सकें। खाना बेदोस पका रही तेरे, ये मत, तू कौन होता है इसे मेरी आंखों से जुदा करने वाला? जिंदगी और इज्जत का मुहाफिज बेवकूफ। औरत उसकी होती है जिसके बाजुओं में ताकत होती है। खात्मा कर दो, जिस सिपाही के हाथ से तलवार छूट जाए उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये मेरे साथ बहादुरी से लड़ा है, मैं इसके खून से अपनी तलवार रखना नहीं चाहता। बहादुरी से लड़ा या बुद्धिरी से, जो हार चुका वो हार चुका, इसे कत्ल कर दो, ये हमारा हुक्म है। लेकिन तेरी ये मजाल के हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। हमें अफसोस है कि तूने हमारे सबसे अच्छे शमशीरबाज को नीचा दिखाया है, वरना अब तक तेरा सर जमीन पर उछलता होता।
तेरा बाप तुझे किस नाम से पुकारता था? सिंदबाद। हमें यकीन है कि सिंदबाद को पहाड़ों के शहंशाह जहान की यह पहली मुलाकात हमेशा याद रहेगी। कल सवेरे हमारी खिदमत में हाजिर हो जाना, हम काबुल की जगह तुम्हें अपना मुहाफिज मुकर्रर करेंगे। जादू जानती हो क्या? जब से तुमने मेरे काबुल को शिकस्त दी, सारे कबीले में तुम्हारे नाम की धूम मची हुई है। क्या काबुल तुम्हारा था? अब नहीं, अब उससे बहादुर नौजवान यहाँ आ गया है ना। काबुल ने ठीक ही कहा था, औरत उसकी है जिसके पास उसे हासिल करने की ताकत है। ये मैंने ही उसे बताया था। अच्छा। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत कालीन है, कहाँ मिला था तुम्हें? काबुल की मोहब्बत का पहला नजराना है ये, मगर जहान के कालीन को देखोगे तो आंखें खुल जाएगी तुम्हारी। इससे भी अच्छा? बहुत अच्छा, वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते हैं। दिन भर उसी पे बैठे रहते हैं और रात होती है तो उसी को उड़कर सो जाते हैं। फिर तो यकीनन कोई नादिर नायाब चीज होगी। क्या नाम है तुम्हारा? काली आंखों वाली सरीना। खूब, बहुत खूब। और मैं? लाजवाब। बोलती हो तो फूल झड़ते हैं, मुस्कुराती हो तो बिजलियां टूट पड़ती हैं, चलती हो तो कयामत ठोकरे खाते हैं। काबुल मेरे हुस्न की इतनी अच्छी तारीफ करना नहीं जानता था। सच्चे मोती को परखना हर इंसान का काम नहीं। जरीना, क्या तुम आका जहान का कालीन मुझे एक नजर दिखा सकती हो? मैं रोज रात को जहान का खाना लेकर जाती हूँ, मौका मिला तो दिखा दूंगी। आज रात को भी जाओगी? क्यों? जरा सोचो, जब सारी दुनिया सोती होगी, आसमान पर चांद मुस्कुरा रहा होगा, खैमों के उस पार रेगिस्तान के नर्म और ठंडी ठंडी रेत दो धड़कते दिलों को अपने आगोश में लेने के लिए बेताब होगी, क्या तुम समझी? लेकिन जहान का खाना? उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। आज रात तुम जहान के लिए बीमार हो, समझे? खुदा हाफिज। है बहारों की।
की कसम जान हाजिर है बेकरारों की क्या जमारात है बहारों की क्या जमारात है बहारों की शम्मा रोशन है चांद तारों के क्या जमारात है बहारों की क्या जमारात है बहारों की मुस्कुराना बनाता है दीवाना निगाहें मस्ताना कोई जाम तो दे महकता चलूं मैं जमाना मुझे तेरा ही दीवाना कहे ये तेरा मुस्कुराना बनाता है दीवाना निगाहें मस्ताना कोई जाम तो दे महकता चलूं मैं जमाना मुझे तेरा ही दीवाना कहे मस्तियाँ देख तो नजारों की क्या जमारात है पहाड़ों की क्या जमारात है बहारों की शम्मा रोशन है चांद तारों के क्या जमारात है बहारों की क्या जमारात है बहारों की लररी तररम लररी तररम लररी तररम हाजिर शराब जरीना कहाँ है? उसकी तबीयत कुछ नासाज है, ठीक होते आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन इससे पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं आज ही यहाँ आई, काबिल मुझे मशरकी चश्मे से गिरफ्तार करके लाया है। बहुत खूब, उसकी शैतानी आंखें हुस्न को परखने में बड़ी माहिर थी। तुम हमारी मेहरबानियों की हकदार हो। मेहरबानी? हाँ, आज हम तुम्हारी छलकती हुई आंखों के पैमानों से पिएंगे और तुम्हें अपने मुबारक हाथों से पिलाएंगे। नहीं, नहीं, कल रात कौन जाने कल रात आए या ना आए। रात तो रोज ही आती है, लेकिन ऐसी रात कभी कभी और इत्तेफाक से ही आती है जब सितारे रूह की गहराइयों में उतर जाते हैं। ये चीख कैसे? घबराओ नहीं, जहान के खेमे से
ऐसी चीखें अक्सर आया करती हैं। जान के खेमे से? चिंटी के भी पर निकल आए मैं तुझे हक और सच्चाई का वास्ता देता हूं। परवास कर, परवास कर, परवास कर। ये तिलिस्मी कालीन मालूम नहीं होता। चलो हम यहां से भाग चले। शहर करीब आ गया। शहर नहीं, हमारी मौत करीब आ गई है। शाहिद तबरेज का जवाब सुनकर हमान हम दोनों को कत्ल कर देगा। पागल हो गए हो? शाहिद तबरेज कोई दीवाना तो नहीं जो शादी का पैगाम मंजूर कर लेता और जीते जी अपनी खूबसूरत शहजादी को जहन्नम में झोंक देता? कहां हमान जैसा बदसूरत जादू का सुल्तान, कहां रहना जैसी हसीन और जमील शहजादी। मुझे तो पहले ही मालूम था ये बात बनने वाली नहीं। तो अब क्या किया जाए? चलो भाग चले, इरादा बुरा नहीं है। अली बाबा, तकदीर हमें रास्ता दिखा रही है। क्या मतलब? मतलब बाद में समझाऊंगा, आओ मेरे साथ। सौ दिनार इस अहू चशम लाला रू के सिर्फ 100 दिनार। बढ़िए और दाम लगाइए, अपनी थैलियों के मुंह खोल दीजिए। ऐसा कीमती हीरा, ऐसी नायाब चीज फिर नहीं मिलेगी। 100 दिनार, 100 दिनार, 200 दिनार, 300 दिनार, 500 दिनार, 500 दिनार, 500 दिनार, 500 दिनार। है कोई कदरदान? 500 दिनार, 500 दिनार एक, 500 दिनार दो, कोई नहीं 500 दिनार तीन। ले जाइए मेहरबान। ये कौन है? तुगरल, आमान के महल का दारोगा।
अब इसके सामने कोई बोली नहीं बोल सकता। भाइयों, इस उजले सांड को देखिए, हर तरह आजमाइए और फिर दाम लगाइए। देखने में ये भोला भाला है मगर हजार खूबियों वाला है। 10 ऊंटों का बोझ अकेले उठाता है, गाड़ी में जोत दो तो भैंसी की तरह भागता है और भाइयों खाने को कुछ नहीं मांगता है। ऐसा काम का गुलाम ना आपने कभी देखा होगा न सुना होगा। अब बोलिए, दाम बोलिए। 10 दिनार। 10 दिनार है? 10 दिनार उस चुड़ैल के 500 दिनार और मेरे 10 दिनार मैं हर किस नहीं बिकूंगा। ये मेरी तौहीन है, ये सारे मर्दों की तौहीन है। ये बिल्कुल ठीक कहता है। भाइयों, माल देख कर बोलिए और आगे बढ़िए। 100 दिनार। आ गया, मर्दों का चाहने वाला आ गया, लेकिन मैं उस चुड़ैल से कम नहीं बिकूंगा। मेरे 500 दिनार होना चाहिए। क्यों जनाब? 400 दिनार। 400 दिनार, 400 दिनार, 400 दिनार। जल्दी बोलिए नहीं तो माल बिक जाएगा। सिंदबाद, बोल जल्दी बोलो, नहीं तो बिक जाएगा अलादीन। बिक जाएगा। क्या कह रहे हो आप? खामोश। आखिरी बोली, जिसको बढ़ना है बढ़िए वरना बोली छूट जाएगी। है, है? बोली नहीं छूट सकती। अरे मुंह क्या देखते हो, बढ़ते क्यों नहीं? किस में दम है जो हमारी बोली पे बोली बढ़ाए? वो जो खड़ा है मेरा शेर दिलेर बहादुर, ऐसी बुलबुल की बोली बोले ना कि आप बोलना ही भूल जाएंगे। अब कोई नहीं बढ़ सकता, बोली छोड़ दो। अरे सिंदबाद, बोलते क्यों नहीं? अरे मैं बिक जाऊंगा। ये जाली मुझे कोड़े मार मार के मेरा तबला बना जाएगा, मेरी खाल खींच लेगा। खींच ले मुझे क्या, तू कौन लगता है मेरा? अबे मैं तेरा बाप हूँ अलादीन। अलादीन अली बाबा, तेरे आंखों में भी चर्बी छा गई है। आओ, आओ। कौन मारा? बकवास बंद कर, नहीं तो अभी मुंह में कपड़ा ठोस दिया जाएगा। गद्दार, चोर, उचक्के, उठाई गिरे, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ऐसा बदला लूंगा कि तुम लोग उम्र भर याद रखोगे। अजीब चपट गंजो हो तुम यार, अच्छी वफादा दिखाए दूसरी साधा। जानते हो तुफरल कौन है? हमाम के महल गद्दार होगा। और ये भी जानते हो कि अलादीन हमान के लिए खरीदा गया है? और ये भी जानते हो कि तिलिस्मी चिराग हमान के पास है? फिर क्या? ये है कि हम दोनों सदर दरवाजे से हमान के महल के अंदर दाखिल होंगे और पीछे चोर दरवाजे से अलादीन, वो अंदर अंदर पता चलाएगा तिलिस्मी चिराग कहाँ है। आया ख्याल है शरीफ? अम्मा अम्मा, जल्दी करो, जमीला हमारा इंतजार कर रही है, काम ज्यादा और वक्त कम है। जलाले खुदाबंदी, ये खानादार खिदमत सुल्तानी में कुछ नई कनीदे और नए गुलाम पेश करना चाहता है। पेश करो। गधों में घोड़ा? ए घोड़े, क्या नाम है तेरा? घोड़े को घोड़ा ही कहते आली जा। ऊपर देख। क्या देखा? बोल तूने क्या देखा? खुदा की शान देखी आली जा। तेरा नाम क्या है? अलादीन। अलादीन? हाँ आली जा, अगर आपको ये नाम नहीं पसंद आली जा तो आली जा कुछ भी कह सकते हैं। अलादीन, पलादीन, मलादीन, फलादीन, जो हुजूर को पसंद आए वो कह सकते हैं। अलादीन, अलादीन, ये नाम हमने पहले भी कहीं सुना मगर कहां? तुगरल, इसे हमारी खास खिदमत के लिए अलग रखा जाए, बाकी गुलामों को पत्थर तोड़ने पर लगा दिया जाए और कलीजों को बेगमार की खिदमत में भेज दिया जाए। Thank you.
आलीजा, हुजूर के हैबत व जलाल के आगे शाह तब्रेज ने अपना सर खम किया। उसके दो कासिद शहजादी रिहाना को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं। उसे हमारा कहना मानना ही चाहिए था, वरना हम उसके मुल्क की ईंट से ईंट बजा देते। तुगरल, हम शायद तब्रेज का नजराना अभी मुलायजा फरमाए। आप लोगों को बारियाबी का शर्त पता हुआ है, मगर याद रहे बगैर हुक्म हमारे बादशाह की तरफ नजर रखने पाए तो क्या आंखें बंद कर ली जाए? हमें आदाब शाही से पहले ही आगाह कर दिया गया है। हो, अब शहजादी साहब से कहिए पर्दे से बाहर तशरीफ लाएं और तख्ते सुल्तानी की तरफ कदम बढ़ाएं। इम्तिहान का वक्त आ गया। मेरा तो खौफ से दिल धड़क रहा है। घबराओ नहीं, मैं और अली बाबा साय की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। होशियार बाश, खबरदार बाश, शहजादी आलिया आलम पनाह के रूबरू जलवागर हो रही हैं। शहजादी बुलंद इकबाल, मलिका हुस्न जमाल, क्या आप जानती हैं कि आप किस मकसद के लिए यहाँ लाई गई हैं? शहजादी जोरा जबी भूरे फिरदौस से भरी, क्या आपको इल्म है कि आपके वालिद शाह तबरेज ने बखुशी आपको आलम पनाह की मलिका बनाना मंजूर फरमाया है? शहजादी इफ्फत माफ, आई नए हुस्न शबाब, क्या आप इजाजत देती हैं कि अगर आपका बेमिसाल हुस्न निगाह शाही को पसंद आ जाए तो आलम पनाह आपसे शादी करके आपको अपनी मलिका बना ले? शाह तबरेज की बेटी शहजादी रिहाना ने हर तरह से अपनी खुशनूदी का इजहार कर दिया। अब कदीम दस्तूर के मुताबिक चौथी निकाब आप अपने मुबारक हाथों से हटाइए और शहजादी को मलिका बनाने के लिए मंजूर या ना मंजूर फरमाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, कुदरत की कारीगरी का बेहतरीन नमूना, आसमान से उतरी हुई जन्नत की फूल। हमें मंजूर है। अलादीन, 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 याद आ गया, अलादीन किताबों में यही लिखा है। ये आप क्या कह रहे मेरे आका? वही जो किताबों में लिखा है, गुलाम बनकर आएगा, कुदरत के भेद पाएगा, आजाद होकर जाएगा। कौन आएगा, कौन जाएगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे आका जरा फारसी में बोलिए। क्या तू आजादी चाहता है? आजादी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मेरे आका? हम तुझसे पूछते हैं कि तुझे आजादी चाहिए कि नहीं? चाहिए, मुझे आजादी चाहिए,
सिर्फ एक दिन के लिए आजादी चाहिए मेरे आका। मैं अपने बेवफा दोस्त सिंदबाद और अलीबाबा का भूता निकाल के वापस आ जाऊंगा। एक दिन के लिए नहीं, हम तुझे हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुझे हमारा एक काम करना होगा। काम? वो क्या काम मेरे आका? जिसे सिर्फ तू ही कर सकता है, किताबों में यही लिखा है। अगर वो काम करने से मुझे आजादी मिल सकती है तो मैं अपनी जान लड़ा दूंगा आका। तो जा, कल सवेरे हम अपना अमल पूरा करके तुझे अपने साथ ले चलेंगे। कल तेरी गुलामी और हमारी बदबख्ती का आखिरी दिन होगा। जा, चला जा। कल हम एक खूबसूरत शहजादा बनकर शहजादी रिहाना से शादी करेंगे, शादी करेंगे, शादी करेंगे। आका, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? खामोश। अली बाबा, अली बाबा। इसे मौत का टीला कहते हैं। यहाँ जिनों की हुकूमत है, तैयार हो जा, घड़ी आ गई। घड़ी? काय की घड़ी? मौत की घड़ी नहीं, काम की घड़ी। ये तो बड़ा भयानक गार है। ये भयानक गार नहीं, हमारी तकदीर का दरवाजा है। जा, इसके अंधेरों में से उजाला निकालना। अंधेरों में से उजाला? मैं समझा नहीं। इस अंधेरे गार के बाद तुझे दूसरा गार नजर आएगा, जहाँ हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं। उन हीरे जवाहरात के दरमियान एक मामूली सा चिराग रखा हुआ है। चिराग? हाँ, चिराग। अगर आजादी चाहता है तो उस चिराग को निकालना। देर न कर, वरना काम की घड़ी निकल जाएगी, सितारे बदल जाएंगे। चलंदर, मुझे आजादी मिलेगी ना? हाँ हाँ, मिलेगी तुझे आजादी। चल अंदर, जल्दी जा। तो पकड़ी गए। हाँ। आदमखोर जानवर है। मौत से डरेगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। जल्दी जा और वो चिराग ले आ। मुझे बाहर निकालिए आका, मैं हरगिज अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर नहीं जाएगा तो बाहर आएगा। नहीं नहीं आका, मुझे बाहर निकालिए, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालिए। बकवास बनकर, लाता है चिराग या बंद करूं ये गार। आका, आका, आका। अलादी अलादी
زیر زمین تمہاری امانت کے محافظوں کی آباد آگے بڑھو اور اپنی امانت سنبھالو میری امانت ہاں یہ چراغ اور خزانہ ہزاروں سال سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہے اسے سنبھالو اور اس کے محافظوں کو آزادی دو مگر یہ خوفناک جانور اور ہڈیوں کے ڈھانچے یہ جانور اس چراغ کے محافظ ہیں اور یہ ڈھانچے ان لالچی اور بے ایمان انسانوں کے ہیں جو تیری امانت میں خیانت کرنے آئے تھے اس لیے آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے पहले मुझे निकालिए फिर मैं ये चिराग आपको दूंगा वक्त गुजरता जा रहा है देर न कर वरना चिराग हमारे लिए बेकार हो जाएगा मुझे तुम पर भरोसा नहीं पहले मुझे बाहर निकाल अबे ला चिराग हर चीज नहीं चिराग दे वरना इस घर को तेरी कब्र बता दूंगा जब तक बाहर नहीं निकालोगे चिराग नहीं दूंगा शादी की घड़ी करीब आ गई अच्छा तो ले मर औरों की तरह तू भी हड्डियों का ढांचा बन जा याखी मर गए अली बाबा चिराग के बच्चे ये सब तेरी वजह से हुआ बोल अब मैं तुझे क्या करूं खाऊं या चलाऊं अरे ये कहां है तेरा जादू कहां है तेरा जिन सब झूठे थे अमन भी और गैबी आवाज भी सबने मुझे धोखा दिया क्या कौन हंस रहा है आपकी तकदीर मेरी तकदीर कहाँ है मेरी तकदीर इस तलिस्मी चिराग में है मैं ये क्या देख रहा हूं ख्वाबिया हकीकत हकीकत अरे इतनी छोटी सी है बोलती भी है हंसती भी है ये क्या तमाशा है आखिर तू है कौन चीनी इस चिराग की जिनी जिनी चल झूठी कहेगी जिन तो इतने बड़े बड़े होते हैं और तू इतनी सी जिनी बड़ी भी हो सकती है जिनी खड़ी भी हो सकती है ऐसा अच्छा तो खड़ी होके बड़ी हो जा देखो
चिराग अपने हाथ से रगड़ो, फिर तमाशा देखो। ऐसा यू नो शैतान शैतान को तूफान बना सकती है, जिन्हें सारी दुनिया को उंगली ऊपर नचा सकती है, आका के सामने सोने चांदी की देर लगा सकती है। अच्छा तो एक काम कर मेरा, सबसे पहले मेरे दोस्त अली बाबा के पास मुझे पहुंचा दे। आका कहोगे जिन्हें का ईमान, एक दो तीन चार, जिन्हें का आका घर के पास। अरे अलादीन, तू कहां जा गया? अरे हाथ में क्या है? तेरी मौत का पैगाम चिराग। चिराग? हाँ, मैं अब तुम दोनों से गिन गिन के बदले लूंगा, गिन गिन के बदले लूंगा, गिन गिन के बदले लूंगा। अरे 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 बदला बाद में लेना पहले बात। खामोश। उस दिन बर्दा फरोशों के बाजार में मैं चिल्लाता रहा, लेकिन तुम दोनों ने मुझे कौड़ियों के मोल में बिक जाने दिया। गद्दार नमक खान। अबे गधे, वो तो हमारी चाल थी,
हम चाहते थे कि तू किस तरह हमाम के महल में घुस कर तिरस्म चिराग का सुराग लगाए। हैं? ये बात है? और सुन, वहाँ जमीला और हमारी शादी हो रही है, और ये शादी हो गई अलादीन तो सिंधबाद कुर्बानी का बकरा बन जाएगा। अरे कुछ कर अलादीन, कुछ कर। हमान और जमीला की शादी? हाँ सिंधबाद, शादी का वक्त सर पर आ गया, ना तो चिराग मिला और ना यहाँ से निकलने का रास्ता। बात चुप तो यह है, आज सुबह से अलादीन नजर नहीं आया, और अभी अभी अली बाबा भी न जाने कहा गायब हो गया। अगर मेरी जान बचा सकते हो तो बचा लो, वरना हमान से मेरी शादी हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। घबराओ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ और ये पुलिस में तलवार मेरे पास है, तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। चलो तैयार हो जाओ। हम बिल्कुल तैयार हैं। अलादीन, अली बाबा, तुम दोनों बंद कमरे में कैसे आ गए? तेरी मुश्किल आसान करने बच्चा, बोल ऐ मोहब्बत के मारे हुए इंसान, ऐ इश्क की सताई हुई लड़की, तुझे इस वक्त क्या चाहिए, काबुली अंगूर या अंधारी अनार? अबे क्या बकता है, इसे हो क्या गया अली बाबा? अंधे के हाथ बटेर लग गया है, इस गधे को तिलस्मी चिराग मिल गया है। तिलस्मी चिराग? क्या कह रहे हो? यकीन ना आए तो आजमा कर देख ले बच्चा, अलाउद्दीन बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। चल मेरी जिन्नी, सोने की गिन्नी, जादू की पुड़िया, चांदी की गुड़िया। आका का हुक्म, जिन्नी का ईमान। जिन्नी को आका ने किसके तलब किया? सुभान अल्लाह, जिन्न के बदले जिन्नी, ये तो सचमुच सोने की गिन्नी है। अलाउद्दीन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? आका का हुक्म हो तो जिनी तुम्हें दिन में तारे दिखा सकती है। वो तो देख चुका, मगर ये बताओ क्या तुम हम सबको यहाँ से गायब कर सकती हो? आका का हुक्म हो तो जिनी तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दे। हाँ, नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए गायब कर देना, लेकिन इस तरह कि हम सबको देख सके लेकिन कोई हमें नहीं देख सके। हाँ, 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 आका का हुक्म, जिनी का ईमान। एक दो तीन। क्या हम लोग सचमुच गायब हो गए? हो सकता है, मगर मैं तो सबको देख रहा हूँ। मैं भी सबको देख रहा हूँ। कहीं जिन्नी ने हमको धोखा तो नहीं दिया? चलो बाहर चल के आजमा लेते हैं। धीरे धीरे, किसने देख लिया तो मारे जाएंगे। अरे पर दरवाजा तो खोल। खोलता हूँ लेकिन। हाँ, मत घबरा, एक को तू संभाल, एक को मैं संभालता हूँ। एक दो। गलियों की खाद छानते फिरे, जवान हुए तो पेड़ के चक्कर में चक्रम बना दिया, क्या बाकी जिंदगी भी इस तरह कट जाएगी? अबे कैसी बातें करता है, ये देख अब तो दौलत का खजाना हमारा मुंह चूमता है, और तुझे क्या चाहिए? मेरे दिल के टुकड़े, मेरी आंखों के सुरमे, घड़ी भर के लिए ये चिराग मुझे दे दे, ताकि मैं जिंदगी भर के मजे एक साथ। तो ले, तू भी क्या याद करेगा, बुला जिन्नी को और मांग अपनी दिल की मुराद। क्यों मेरे लाल, ले 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 ले। जिन्नी मिनी, जिन्नी मिनी। जिन्नी का ईमान। मैं सदके, मैं कुर्बान। जिन्नी को आकर ने किसने तलब किया? ए जिन्नी,
आज मेरे अली बाबा के सारे अरमान पूरे कर दे। अगर ये खाना मांगे तो जरदा पलाव मुतंजन और बिरयानी ला दे, और अगर ये अपना दिल बहलाना चाहे तो हूर परी शहजादी और रानी ला दे। आका, ये कौन है? हाँ? अभी से इस पे लट्टू हो गई। अरे मैं हूँ तेरा मालिक, तेरा आका, तेरा अलादीन। जिनी का आका वो है जिसके हाथ में चिराग है। अरे ये गधा तेरा क्या आका बनेगा? क्या जिनी के आका को गधा कहा? एक दो तीन एंड माशी। तेरा सचमुच गधा बन गया अलादीन। अरे मैं अलादीन। बोल यार। बोलता क्यों नहीं? क्या कहा? आका का हुक्म हो तो जिनी से फिर आदमी बना दे। अच्छा नहीं 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 नहीं, अभी से गधा ही बना रहने दो। पहले मैं दिल के अरमान निकाल लूं, वरना कबाब में हड्डी बना रहेगा। वैसे गधे की सूरत में बुरा नहीं लगता मेरा यार, मालूम होता है कि खानदानी गधा है। आका को गधे अच्छे लगते हैं तो फिर जिनी आका को भी गधा बना ले। नहीं 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 नहीं, मुझे गधे बिल्कुल पसंद नहीं। अब सुन मेरा हुक्म और फरमान, इस खंडर को जन्नत का टुकड़ा बना दे। आका का हुक्म चीनी का ईमान। यासीन फवारे, ये जन्नत के नजारे बिल्कुल परिस्तान मालूम होता है। क्यों बे गधे? मैं समझ गया, परिस्तान तो है लेकिन परिया ने है ना। जिनी, अब मेरे खिदमत के लिए ईरानी, तुरानी, यूनानी, मस्तानी लड़कियां ला दे ताकि मैं अपना जी बहला लूं। आका का हुक्म चीनी का ईमान। अच्छा गुलाब की खुशबू आ रही है, चमेली की, और तुम तो रात की रानी हो। मगर आका के जिस्म से बूढ़े बकरे की बू आ रही है। मैं बूढ़ा बकरा नहीं, जिन्नी 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 जिन्नी, मुझे शहजादा गुलफाम बना दे और वो जोड़ा पहना दे जो शहंशाह मान ने अपनी शादी खाना बर्बाद के लिए तैयार किया है। आका का हुक्म चीनी का ईमान। अब तुम्हें खानदानी बादशाह मालूम होता हूं जिन्हें शहंशाह अली बाबा, इब्ने वली बाबा, इब्ने कली बाबा तुम्हें हुक्म देते हैं नाचने की महफिल से जमा दो, माँ बदौलत का दिल झूम उठ। आका का हुक्म चीनी का ईमान।
चिनी का ईमान, चिनी को आका ने किस लिए तलब किया? क्यों अब गधे को आका कह रही है? वक्त पर गधे को बाप भी कहना पड़ता है। फरमाइए क्या हुक्म है? पहले मुझे गधे से अलादीन बना, फिर मैं दूसरा हुक्म दूंगा। एक दो तीन, गधा अलादीन। अब मेरा दूसरा हुक्म सुन, इस महल को खंडर बना दे और इस अली बाबा के बच्चे को बादशाह से मदारी बना दे, मदारी। मोहब्बत करके? मोहब्बत? मोहब्बत कैसे की जाती है? तेरी जी, ये भी नहीं मालूम? कभी किसी जिन ने तुझसे प्यार नहीं किया? हाँ, जिनी का बाप जिनी के बहुत प्यार था। अरे, ये बाप वाला प्यार नहीं, मैं तो दूसरे प्यार की बात कर रहा था। और प्यार कैसे किया जाता है? ये भी बताना पड़ेगा। मेरी आंखों में आंखें डाल और घूर घूर के देख। ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। अब धीरे से मुस्कुरा दे। ऐसे? अरे वाह, तू तो काफी समझदार होती जा रही है। जरा अपना हाथ मेरे हाथ में देना तो। ऐसे? हाँ ऐसे। वाह वाह, क्या गर्मा गर्म हाथ है, तुझे कुछ मालूम है? कुछ गुदगुदी से महसूस हो रही है। गुदगुदी से महसूस हो रही है? बस अब तुझे मुझसे प्यार हो गया। किसी को आका से प्यार हो गया? हाँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब हम दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। शादी? हाँ, शादी। बोलना, शादी करेंगे ना? ठहरो ना। जिनी अपने जिनों के बादशाह के पास जाएगी, अगर वो मान गया तो जिनी इंसान बनकर अपनी आका के साथ शादी कर ले। जीनी, तू जीनी नहीं, तू परी है, तू हूर है। हाथ में मोहब्बत की गर्मी है, प्यार की नरमी है। मैं ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अरे इसी हाथ से जिंदगी भर में अपनी जान देता रहूंगा। जीनी, मैं ये हाथ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अरे ये हाथ तो मेरी जिंदगी है, मेरी जान, मेरा जिगर। इस हाथ में क्या लचक है, क्या चुलबुलाहट है, क्या चिकनाहट है। अलादीन, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये हाथ मैं छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। ये हाथ नहीं, सांप है। सांप नहीं, ये सांप। मां, मां मर गया, मुझे पकड़ो, मैं मर गया, मर गया। क्या हाथ की बात कर रहे थे? जिनी, जिनी फिर खिसक गई है। अरे जिन्नी, जिन्नी ने मुझसे शादी का वादा किया था, उसी का तो हाथ पकड़ रखा था। अच्छा, जिन्नी का हाथ? हाँ। तो जरा बुलाइए भाभी जान को। क्यों? क्यों क्या, तिलिस्म में तलवार और तिलिस्म में चिराग तो हमने हासिल कर लिया, क्या तिलिस्म में कालीन हासिल नहीं करना है? ठीक तो है। अभी लो। चल मेरी जिन्नी, सोने की गिन्नी, जादू की गुड़िया, चांदी की गुड़िया। आका का हुक्म, जिन्नी का ईमान।
आका ने जिनी को किस लिए तलब किया? आजा वर्दे भाभी जान। जिनी को जिनी कहते हैं, भाभी जान नहीं। अच्छा तो मेरी जान, क्या तुम बता सकती हो कि तिलिस्मी कालीन कहाँ है? जिनी क्या नहीं जानती, तिलिस्मी कालीन पहाड़ों की शहनशाह जहान के पास है। नहीं नहीं, जहान का कालीन तो हमने देखा है, वह तिलिस्मी कालीन नहीं है। तुम्हें धोखा हुआ है, जो कालीन तुमने देखा था वही तिलिस्मी कालीन है। अच्छा? लेकिन जहान उसके इस्तेमाल का राज नहीं जानता। फिर कौन जानता है? साराय कबीले की एक लड़की। अच्छा, तो वो लड़की और कालीन और दोनों को उठा लिया। हाँ, हाँ। चिनी उस कालीन को नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि कालीन भी जादू है और चिनी भी जादू है। जादू पे जादू का असर नहीं होता। तो फिर तुम्हारा होना ना होना दोनों बराबर है। आका का हुक्म हो तो चिनी सबको वहाँ पहुँचा दे। बिल्कुल यही सही, तुम हमें वहाँ पहुँचा दो, बस फिर हम जानेंगे और हमारा काम। आका का हुक्म, चिनी का ईमान। ये हम कहाँ आ गए? डर लगता है। अरे वो क्या? बला जैसी बला, किस्मत से बच गए, वरना अब तक उसके पेट में कबड्डी खेल रहे होते। न जाने जिन्ने हमें किस तिलिस्मी जंगल में छोड़ गई है। अरे मुझे तो ये दूसरी दुनिया मालूम होती है। इसलिए जरूरी है कि बारी बारी हम में से एक आदमी बाहर बैठकर पहरा दे। हाँ ठीक है। अच्छा तो पहले बारी आपकी। अरे वाह, पहले मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो? अरे मैं तो पैदाइशी गिदड़ हूँ, बहादुर तो अपना सिंबाद है। ठहरो, इसका फैसला मैं किए देती हूँ। जिसका हाथ बाद में उसकी बारी पहले। ठीक है।
मर गए। तुमने यह समझा था कि हमारा खात्मा हो चुका है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि हमारे इंतकाम, कहर और गुस्से की आग दुश्मन को हाथ किए बगैर ठंडी नहीं होती। ये खूबसूरत चिड़िया जिसके लिए तुमने हमारे पर कातिलाना हमला किया था, अगर खुशी से आज भी हमारी मोहब्बत का इकरार कर ले तो हम तुम सबको माफ कर दें। तुम्हारी आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। हमारा सवाल तुमसे नहीं, इस पर शबाब हसीना से। बोलो, तुम्हें क्या अजीज है, इस गद्दार की मौत या जिंदगी? हर औरत अपने महबूब की जिंदगी चाहती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें हमारी शर्त मंजूर? जमीला, इसकी बातों में हर किसने आना। खामोश, अगर गुस्ताखी करेगा तो जबान तराश ली जाएगी। जमीला, जवाब दो। एक तरफ सबकी भयानक मौत और दूसरी तरफ हंसती खेलती जिंदगी, अगर तुम हमारी शर्त मंजूर कर लो तो हम तुम्हें ऐश और इशरत की जन्नत में झूले झुलाएंगे, वरना लानत है ऐसी जन्नत पर जो अपने महबूब से जुदा होके मिले। मैं तेरे ऐश और आराम की थूकती हूँ। मुझे मेरे सिंबाद के साथ कत्ल कर दो। यही मेरी जिंदगी है और यही मेरी जन्नत। तो 40 चोरों के शहंशाह जहान का हुक्म है कि इन पैशियों की कुर्बानी की तैयारी की जाए। ले जाओ इन्हें और खूनी जश्न का ऐलान कर दो। अली बाबा, ले जाओ अली बाबा। Thank you.
कर भी जा सकते। ऐ नीले आसमान के रंगीन मुसाफिर, ऐ फिजाओं के हसीन साहिब, ऐ हवाओं के ताजदार, ऐ सितारों के राजदार, परवाज परवाज कर, परवाज। यकीन है सिंधबाद अली बाबा और अलादीन तिलस्मी चीजें और शहजादी को लेकर जरूर आएंगे। फिर शुमाल से लेकर जनूब और मशरिक से लेकर मगरिब तक हमारी हुकूमत होगी। हमने बगदाद की हुकूमत का ख्वाब देखा था, वो पूरा हुआ। अब दुनिया की हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं, वो भी जरूर पूरा होगा। सुभान अल्लाह, कितना हसीन ख्वाब है। लेकिन आलम फना ये ना भूलिए कि आपको बगदाद का बादशाह बनाने में किसी और का हाथ भी शामिल था। किसका हाथ? तकदीर का पोशीदा हाथ, जिसे आप वजीर अबू कान का हाथ भी कह सकते हैं। हो सकता है वही हाथ आपको तख्ते हुकूमत से हटाकर गोशे जिल्लत में डालते। जबान को लगाम दो अबू कान, तुम्हारी खिदमत हमें नरमी पर मजबूर कर रही है।
वरना अब तक तुम अपने अंजाम को पहुंच गए होते। हमारा शानदार अंजाम अभी दुनिया देख लेगी। आप अपने अंजाम की खैर मनाइए। उस्ताद, तेरी ये मजाल हमारी शान ने बेहद भी करे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो गद्दार को। गिरफ्तार कर लो इस बागी को। सुना नहीं तुमने? अरे तुम्हारा बादशाह तुम पर हुक्म दे रहा है। गार्ड का पुतला बादशाह नहीं होता। आप बगदाद के नहीं शतरंज के बादशाह थे। जब तक खिलाड़ी को आपकी जरूरत थी आपको इस्तेमाल करता रहा। अब वक्त आ गया है कि बगदाद का असली बादशाह रियाया के सामने आ जाए। कौन है वो? सुल्तान इब्ने सुल्तान शहंशाह अबू खान। कौन बादशाह? यकीन ना हो तो देख लीजिए कि सारे बगदाद पर किसका हुक्म चलता है। सिपाहियों, इस दीवाने को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लेते। तुम सब गद्दार हो गए। सबने आंखें फेर ली। मियां, सारा शहर आसमान की तरफ देख रहा है। खुदा जाने क्या है। कासिम, मेरी बूढ़ी आंखें भी आसमान पर एक उम्मीद की झलक देख रही हैं। शायद बेटी जमीला पड़े गया। आपकी दुआ से हम अपने मकसद में कामयाब हुए। बेटा, खुदा ने तुम्हें ठीक वक्त पर भेजा है। सिंदबाद, वजीर अबू खान ने बादशाह को गिरफ्तार करके हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। तो क्या हुआ? आज दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार हमारे हाथ में है। हम चाहे तो बाजार का तख्ता उलट दें। तो फिर नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। चलो आसमान से चलो, मैं जमीन से अपनी उम्मत लेके आता हूँ। लुकमान, हमारी ताजपोशी की खुशी में सारे बगदाद में चराना किया जाए। शाही महल को ऐशो इशरत की रंगीनियों से सजाकर लश्के फिरदौस बना दिया जाए। और तिलिस्मी कालीन। क्या तिलिस्मी चीजें तुम्हें मिल गई? लाओ लाओ मेरे दोस्तों, ये तिलिस्मी चीजें मुझे दे दो और अपनी मेहनतों और वफादारियों का सिला पाओ। वजीर लुकमान, देखते क्या हो? इनके लिए शाही खजाने का मुंह खोल दो। इन्हें सोने चांदी और हीरे जवाहरात में खर्च कर दो। शहजादी जमीला, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ हमारे करीब, शहनशाह वक्त के पहलू में। बगदाद की मलिका का ताज तुम्हारी राह देख रहा है और मौत तुम्हारी राह देख रही है। ये ना भूलो कि तुम शहंशाह वक्त अबू खान से मुखातिब हो। अगर तुम जैसा गद्दार बेईमान और दगाबाज इंसान बादशाह हो सकता है तो दुनिया का हर चोर लुटेरा डाकू भी शहंशाहियत का दावा कर सकता है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस जबान दराज को। बर्दाश्त कोई आगे बढ़ा। अरे डरते क्यों हो? टूट पड़ो इन गद्दारों पर और छीन लो इनके हाथों से तिलिस्मी चीजें। सोने की गिन्नी, जादू की गुड़िया, चांदी की गुड़िया। चिमी कहीं था? अरे छोड़िए ईमानदारी भान, जल्दी से मुझे आग को गोला, यानी आग को गोला बना दे। एक दोस्ती आगुल भगुल तीन।
बल्कि बख्तार ताज रखा। आगे बड़े ही शहजादे शाही तख्त का इंतजार कर रहा है। हमारी दुआ है कि तुम दोनों हजारों साल दुनिया में सलामत रहो। वफादार दोस्तों और साथियों, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हकदार को उसका हक दिला दिया। आप लोग जानते हैं कि हमें यह कामयाबी तिलिस्मी चिराग, तिलिस्मी कालीन और तिलिस्मी तलवार की बदौलत हासिल हुई, लेकिन ये चीजें जितनी कारामद है उतने ही खतरनाक भी। अगर कि लालची, खुद गर्ज और बेईमान इंसान के हाथ में ये चीजें तो वो इनकी बेपनाह ताकत से सदियों की बनाई सवारी हुई दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। तिलिस्मी तलवार अरे अरे, ये चला गया तो मेरी जिन्नी भी चली जाएगी। उससे शादी का वादा किया है। चल मेरी जिन्नी, सोने की गिन्नी, जादू की पुड़िया, चांदी की गुड़िया। मैं सबके, मैं कुर्बान, आका का हुकुम, जिन्नी का ईमान। अरे बाप रे, जिन्नी के बजाय भुतनी। अरे मेरी जिन्नी कहाँ है? ये रही ना। अरे तू नहीं, मेरी जिन्नी कहाँ है? अरे मैं तेरे लिए मजनू बना हुआ हूँ और तू यहाँ खड़ी हिटला रही है। अरे ये तो बता, तेरे बदले इस चिराग मुझे वो भूतनी कैसे निकल आई? ये शाहे जिन की करामत है, जिनी के बदले उसने चिराग की जिनी बना दिया। मैं समझा नहीं क्या बोल रही तू। हाँ, जिनी अपने बादशाह के पास गई थी। हाँ? उसने जिनी को इंसान बनने की इजाजत दे दी। अच्छा, जिनी को इसका मतलब है कि मैं तुझसे शादी कर सकता हूँ? अरे शायद जिन जिंदाबाद। कोई नहीं बोलता, कोई बात नहीं। आजा इन बाल, अब मुझे इस चिराग की कोई जरूरत नहीं, इसे जल्दी छोड़ दो, छू कर दे। ऐ तिलिस्मी चीजों, ऐ कुदरत की पोशीदा ताकतों, फजाओं में उड़ती हुई तू, बहुत तू, आसमान की लामहदूद बुलंदियों में गायब हो जाओ।